सीएसई की कोशिश हमेशा रहती है कि ऐसी सुविधाएं हम अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ें जो न सिर्फ लोगों की जीवन में सुधार लाएं बल्कि उन्हें डिजिटल रूप से उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं डिजिटल की जो कमी रह गई है, डिजिटल चीज़ों की सुविधाओं की, उन्हें भी उनसे मुहैया करवाएं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, सीएसई प्लेटफॉर्म पे ई सारथी और ई वाहन की सुविधाएं भी सीएसई प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेंगी। वीएलईज इन्हें आम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये सुविधाएं कैसे काम करेंगी, कैसे हमारे वीएलईज इस सुविधाओं से जोड़ के लोगों की मदद कर पाएंगे, इन सभी पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल की आपसे मिलवाना चाहेंगे। हमारे सारे सीएसई सेंटर्स ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटेशन सेंटर का काम करेंगे। ये काफी अच्छा स्टेप था। अब हमारे सारे वीएलई भाई बहन चाहे तो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर करके स्टेट के साथ काम कर करके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी जरूरतें हैं सिटीजन्स की, नागरिकों की, उसके लिए वो फैसिलिटेशन सेंटर का काम करवा सके। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में एक बहुत बड़ा काम था जो एनआईसी के सहयोग से आज हम उसको लाइव कर पाए हैं कि ई सारथी और ई वाहन की सुविधाएं भी सीएससी के सेंटर के थ्रू ग्रामीणों को उपलब्ध हो, चाहे उसमें ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो या गाड़ी का एनओसी लेना हो या अभी के एप्लीकेशन का स्टेटस देखना हो, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत थी। अब जबकि यहां से सेंट्रली इंटीग्रेट हो गया है विथ स्टेट्स परमिशंस, हम हर स्टेट में इसको रोल आउट कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में तो ये सिस्टम ऑलरेडी रोल्ड आउट था जहां हम ये सर्विसेज देते हैं थे, बट अब सारे स्टेट्स में कर पाएंगे। इससे हमारे सारे वीएलई भाई बहनों को जो 4.5 लाख देश के विभिन्न जगहों से ऑपरेट करते हैं, उनको, उनके आस पड़ोस के लोगों को ये सुविधा देने में आसानी होगी, उनकी समस्याएं समझने में आसानी होगी। और हम आशा करते हैं कि इसके चलते इन सुविधाओं का यूज करने वालों की भी संख्या बढ़ेगी, फुटफॉल्स बढ़ेंगे और ये एक विन-विन सिचुएशन है सबके लिए, सिटीजन्स के लिए, सीएससी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो एक बार फिर हम सबको धन्यवाद देते हैं, खासकर मिनिस्ट्री के लिए जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और आशा करते हैं कि इससे वीएलईज का वो नेटवर्क और स्ट्रांग होगा और वो सोसाइटी की जो अपनी सर्विसेज देते हैं वो और ज्यादा उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। मेरा सारे वीएलई भाई बहनों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, समझ लें, जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर लें, हमारे सिस्टम में बात कर लें, यूट्यूब से भी हम इसकी पब्लिसिटी की कोशिश करेंगे, तो कर कर करके इसकी जानकारी लेकर करके इसका लाभ खुद भी उठाएं और अपने आसपास के लोगों को भी दें। सो इट्स अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग लाइफ इजी फॉर द सिटीजन्स। सो आई थैंक मिनिस्ट्री एंड वेलकम दिस स्टेप एंड आई होप दिस विल बी अ माइलस्टोन इन expanding the government services to far-flung area. Thank you. देखिए देश में करीब 30 करोड़ के करीब vehicles हैं, 30 करोड़ के करीब, very large number. इतना बड़ा हमारा client base है और सबको कुछ ना कुछ मदद चाहिए, सबको कुछ ना कुछ help चाहिए in order to try and access the various regulatory and otherwise norms which are prescribed by government. तो उन सबको support करने के लिए common service center, क्योंकि अभी हम हर पंचायत में हर गांव में कोशिश कर रहे हैं, 4.5 लाख के करीब हैं लोग घर के पास हैं, दे कैन गो टू द विजिट टू द सेंटर। हमारा सेंटर ऑपरेटर दो काम कर सकता है, एक तो वो उसी गांव में रहता है, इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। बहुत लोग हैं जो लाइसेंस बनाते हैं लेकिन अपना शायद एड्रेस चेंज नहीं कराते, दे माइट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दे कैन गेट दैट पार्ट। किसी का मोबाइल अगर अपडेट कराना है वो भी अपडेट करा सकते हैं, और अगर पूरे डेटाबेस में आधार सीडिंग at some point in time become necessary, then we can also help in Aadhaar seeding of that person so that the vehicle ownership becomes so transparent, so good that people can use it very freely without any hassles. तो गाड़ियों का जो जो registration, ई वाहन और ई सारथी जो service है बहुत पहले से चलता है, बहुत बड़ा database है देश में, बहुत लोग हैं जो उसकी सहायता लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप नहीं कर सकते उसमें assisted format से common service center का उनकी मदद कर सकता है। हम कुछ स्टेट में अभी ये काम करते हैं, जैसे हरियाणा में, उत्तराखंड में और जम्मू एंड कश्मीर में, आई थिंक वी आर डूइंग दिस सर्विस, बट विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री वी विल बी नाउ एबल टू लॉन्च इन दिस अक्रॉस द कंट्री, सो दैट एवरी सीएस हेल्प द सिटीजन इन एक्सेसिंग ऑल द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द सिटीजन। एक और हम शेयर करना चाहेंगे कि शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है जिसने
रिकॉग्नाइज किया था कि सीएससी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना देंगे, अब वो नोटिफिकेशन भी इशू हुआ था, तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल थोड़ा बढ़ जाता है, हमारे सीएससी ऑपरेटर थोड़ा, उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, दे विल बी अंडर क्लोज वॉच ऑफ एवरीबडी, कम्युनिटी विल टेक केयर ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डिलीवरिंग, हाउ दे डिलीवरिंग, आर दे डूइंग सम मिसचीफ और नॉट, तो इस फैसिलिटेशन सेंटर का जो रोल है दैट हैज टू बी डन एंड वी हैव टू रियली क्रिएट गुड फैसिलिटेशन सेंटर द मॉडल सो दैट सिटीजन गेट अल्टीमेटली द बेनिफिट टू गो टू सिटीजन एंड वेरी क्लोज टू ही हैज अ चॉइस ही कैन ऑफ कोर्स डू इन हिज ओन होम ही कैन गो टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो ही कैन ऑल्सो एक्सेस सीएससी तो ये नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बाय सेइंग दैट एवरी सीएससी कैन वर्क एज ए फैसिलिटेशन सेंटर एंड टुडेज इनिशिएटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग द सर्विसेज विद द सीएससी प्लेटफॉर्म इज यूनिक एंड विल हेल्प अस क्वाइट अ लॉट इन द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल एक्सेस सर्विसेज टू क्लोज टू द प्लेस फॉर वेयर पीपल लिव इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सभी डिपार्टमेंट सारी मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री की सर्विसेज अभी ज़्यादातर हमारे सीएससी से इंटीग्रेटेड हैं और उनका पर्पज और उद्देश्य एक ही है कि गांव में रहने वाले लोग उनको कुछ परेशानी ना हो हाउ डू वी सिंप्लीफाई लाइफ ऑफ पीपल बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट इज व्हाट सीएससीज आर एंड दैट इज द फॉर्मेट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग एनेबलिंग दिस टू हैपन तो हमारे लिए जैसे कहा बहुत अच्छा सुनहरा मौका है हमारे सीएससी के लिए कस्टमर बेस बढ़ेगा आई सेड सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हुए व्हीकल ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द विलेज विल हैव एवरी हाउसहोल्ड एक्सेस टू द सीएससी विल ट्राई एंड हेल्प देम हम लोग क्योंकि इंश्योरेंस भी करते हैं तो दे विल आल्सो बी एबल टू डू सम इंश्योरेंस फॉर देम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस विच इन रेगुलेटरी एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट देर आर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स टूडे इन द कंट्री विच डज नॉट हैव अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वी कैन एक्चुअली फुलफिल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाई क्रिएटिंग एन एक्सेस The same format. और कुछ चीज हमारे जो बच्चे कुछ लोगों ने हमारे से कहा था कि पोल्यूशन कंट्रोल भी हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तो अगर पोल्यूशन कंट्रोल सर अभी शायद उसमें लाइसेंस लगता है तो वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अगर निकाल दें क्योंकि लाइसेंस की हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है और क्योंकि वो तो मशीन कॉस्ट तो वो लगेगा आपके एप्लीकेशन उसी सिस्टम से काम करेगा द होल रिसीट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द सेंट्रलाइज सिस्टम So if you can remove the license requirement for pollution, we can actually have a large number of people in CSC setting up their own pollution unit and काफी मदद मिल सकती है लोगों को घर के और आसपास pollution unit अपने check कराने के लिए that can be one part of it. और जैसे मैंने कहा कि सर मोबाइल नंबर अगर अपडेट कराना है आधार डालना है सीडिंग में या उसको एड्रेस चेंज कराना है which are very frequently done, we can help in trying and supporting so that the database becomes very good and good in the sense that is up to date completely up to date and can be used by all government and other agency which are required this data for regulatory purposes so we on behalf of all the common service center 4 lakh of them we like to again thank the secretary and his team and also the NIC who has helped us in integrating this e-vahan and e-sarthi with the CS ecosystem thank you so much sir. thank you